स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, जिसमें हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और फ्लक्स है। तो सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं मेटलर्जी में, तो सेकेंड स्टेप है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो कंसंट्रेटेड ओर किया था, ओर की कंसंट्रेशन की थी, उस ओर से मुझे मेटल में, उस ओर को मुझे मेटल में कन्वर्ट करना है। और थर्ड स्टेप में ये जो मेटल आएगा, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, इम्प्योर मेटल होगा, उसे हम प्यूरिफाई करेंगे। तो इस स्टेप में जो हमारे पास कंसंट्रेटेड, अगर मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझाना चाहूं, तो जो कंसंट्रेटेड ओर है मेरे पास, उसे सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसे मुझे मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है। अब मेटल ऑक्साइड में क्यों, ओर को मेटल ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट किया जाता है, इसका रीजन अगर हम बात करें यहां पर, ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज इजी टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, क्योंकि इन मेटल ऑक्साइड्स को हम मेटल में आसानी से, कन्वीनियंटली जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में। जब हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, फिर हमें इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। इसको हम रिड्यूस करेंगे किसमें, मेटल में रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के अलग अलग मेथड हैं। अभी जो हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम कि हमें कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम दो तरह की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। दोनों में होगा क्या, दोनों में ही जो हमारा ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक कैल्सिनेशन, जो कि मेटलर्जी के सेकेंड स्टेप में कंसिडर किया जाता है। कैल्सिनेशन, क्या होती है कैल्सिनेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर, जो एनरिच्ड ओर है उसे हीट करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर हम कहें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, या इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, उसे हम क्या कहेंगे, इज नोन एज कैल्सिनेशन। बहुत बार एग्जाम में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अब एक्चुअल में कैल्सिनेशन में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, जब हम कैल्सिनेशन करते हैं किसी ओर की, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। एक तो मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। दूसरा, जो ओर है, ओर बिकम्स मोर पोरस, ओर जो है वो ज्यादा पोरस हो जाता है, ताकि उसकी जो रिडक्शन है वो आगे आसान हो जाती है। तीसरा, जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज जो कि हीट करते ही चली जाती हैं, तो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाती हैं। चौथी बात अगर हम करें कि क्या होता है इसमें, तो जो मॉइस्चर है, जो वॉटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड ओर इज रिमूव्ड। जो हाइड्रेटेड ओर है, जिसमें वॉटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वॉटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव हो जाते हैं। अब हम बात कर, और इसमें और क्या होगा, एक्चुअली ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ये ज्यादातर एप्लीकेबल है कहां पर, जहां पर कार्बोनेट ओर है। जो ओर जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, इट इज नॉर्मली
calcination is normally applied to कार्बोनेट ओर. ये जो है कहां एप्लीकेबल है, कार्बोनेट ओर में नॉर्मली करते हैं, या फिर जो हाइड्रेटेड ओर है उन्हें उस वाटर मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं. तो मैं एग्जांपल दे रही हूं यहां पर, जैसे जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट जिसे हम कैलामाइन कहते हैं, कैलामाइन, तो इसको क्या किया हमने, इसकी हमने कैल्सिनेशन की, यानी हमने इसको हीट किया इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास मेटल ऑक्साइड आ गया, जो कि मेरे सेकंड स्टेप में पहला काम यही था. तो यहां पर क्या है, इसी तरह जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम कैल्साइट बोलते हैं, तो ये क्या होगा, इसकी भी जब हम कैल्सिनेशन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में. इसी तरह अगर हम डोलोमाइट की बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें, जो कि डोलोमाइट ओर है, ओर में हमने इसे मेंशन किया था, इसकी भी जब कैल्सिनेशन की जाती है तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल बी इवॉल्व ऑफ, ये बाहर चली जाएगी. और अगर हम बात करें इसी में ही और एग्जांपल्स की, कि मान लो आपसे पूछा जाता है कि इसमें कैल्सिनेशन के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे या कैल्सिनेशन होगी तो क्या होगा, तो इसमें और एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं. जैसे मेलाकाइट है, कॉपर का ओर है मेलाकाइट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट मेलाकाइट, इसकी भी जब कैल्सिनेशन की जाती है, इसकी कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड था, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ये वेपर की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी और मेरे पास मेटल ऑक्साइड आ जाएगा. अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैल्सिनेशन है इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रेटेड ओर है जो हमारे, उनके वाटर मॉलिक्यूल को भी रिमूव कर लेता है. तो जैसे बॉक्साइड ओर है, बॉक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम लीचिंग प्रोसेस में हमने मेंशन किया था, तो ये क्या है, Al2O3.2H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, इसकी भी जब कैल्सिनेशन की जाएगी, इसकी कैल्सिनेशन हम करेंगे तो क्या होगा, ये बना देगा Al2O3 एंड वाटर मॉलिक्यूल इट विल गेट इवोपरेट, ये मेरे पास मेटल ऑक्साइड आ गया जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, इट इज कन्वर्जन ऑफ और जो कि एनरिच्ड था इनटू मेटल ऑक्साइड. कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. अब हम यहां पर हमने कैल्सिनेशन कर लिया, हम दूसरी बात करेंगे रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है और कहां अप्लाई की जाती है. आई होप कि कैल्सिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा. अब रोस्टिंग की बात करते हैं, यहां हमने बात की है लिमिटेड सप्लाई और इन द एब्सेंस ऑफ एयर की, तो रोस्टिंग इसका ऑपोजिट है, ध्यान रखना है ये रोस्टिंग है, रस्टिंग नहीं है. तो रोस्टिंग की बात करते हैं हम, रोस्टिंग, रोस्टिंग जो है रोस्टेड वर्ड से रिलेट कर सकते हो, रोस्टेड का मतलब होता है भूनना. तो रोस्टिंग क्या है, हीटिंग ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में हमें इसे हीट करना है. अब इसमें भी क्या प्रोसेसेस होंगी, जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं आर रिमूव्ड, और क्या होगा, जो मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे ओर में, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, और क्या होगा, इंप्यूरिटीज लाइक सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस आर ऑल्सो रिमूव्ड. जो इंप्यूरिटीज हैं, कौन सी इंप्यूरिटीज की बात कर रहे हैं हम, यहां हम बात कर रहे हैं
सल्फर की, आर्सेनिक की, फास्फोरस की, ये जो इंप्यूरिटीज जो ओर में पाई जा रही हैं ड्यूरिंग रोस्टिंग, ये भी क्या होती हैं, ये भी रिमूव कर दी जाती है। कैसे रिमूव होती है, रिएक्शन में लिख के बता रही हूं। मान लो सल्फर इंप्यूरिटी है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में ये यहां पर इवॉल्व हो गई, इसको यहां से इजिली हम हटा सकते हैं। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी अपना ऑक्साइड बना देगा H2O3। ये सारी इंप्यूरिटीज है। फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ P2O5 बना देगा। तो ये जो है ये इंप्यूरिटीज, ये कैसे हम हटा सकते हैं, बाय रोस्टिंग। क्योंकि रोस्टिंग का क्या मतलब बताया हमने, हीटिंग ऑफ एनी ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो ये इस तरह की जो इंप्यूरिटीज हैं, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रोस्टिंग के दौरान इनमें से कौन सी इंप्यूरिटी जो है वो आसानी से हटा सकते हैं, तो जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं वो हट जाती हैं, जो मॉइस्चर है वो हट जाता है, और ये जो इस तरीके की जो इंप्यूरिटीज है वो भी हटाई जा सकती है। अब ये जो प्रोसेस है रोस्टिंग का, ये कहां पर एप्लीकेबल है, किन ओर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, वो मैं आपको समझा रही हूं। कैल्सिनेशन प्रोसेस ज्यादातर हमने कहा कि कार्बोनेट ओर के लिए एप्लीकेबल है, और जो हाइड्रेटेड है हमारे जो ओर उनके लिए एप्लीकेबल था। रोस्टिंग जो है ये कहां एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल टू सल्फाइड ओर, जैसे जिंक का जिंक ब्लेंडे, जैसे लेड का गैलिना, जैसे मरकरी का सिनाबार, ये जो है ये सल्फाइड ओर हैं, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। चाहे वो कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, दोनों काम क्या है कि हमें ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, जिंक सल्फाइड जिसे हम जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, जब इसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया जाएगा, यानी जब इसकी रोस्टिंग की जाएगी, तो क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा और SO2 बनाएगा। इसी तरह जो गैलिना है जो कि लेड का ओर है, इसे भी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हम हीट करेंगे, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं, तो ये क्या बना देगा, लेड का ऑक्साइड बना देगा, SO2 बना देगा। और इसी तरह मैंने मरकरी का भी आपको बताया, सिनाबार जो ओर है इसका, ये भी सल्फाइड ओर पाया जाता है, तो इसकी भी जब हम रोस्टिंग करेंगे तो क्या करेगा, ये मरकरी का ऑक्साइड बनेगा और SO2 बनेगा। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो SO2 यहां पर बनी है, SO2 गैस जो बनी है, SO2 is used इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जिसे आप किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो SO2 यहां रिलीज हुई, उसका इस्तेमाल हमने कर दिया किसको बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, और हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ चुका है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, जो हमारा सेकंड स्टेप का सेकंड जो पोर्शन है, वो है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। अब हमने रोस्टिंग भी कर ली, कैल्सिनेशन भी कर लिया, अब हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, इसमें से एसिडिक फ्लक्स कौन सा है, बेसिक कौन सा है, या कोई इंप्यूरिटी आपको दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें मुझे जो फ्लक्स है वो कौन सा यूज करना है। तो फ्लक्स क्या होता है, जब ये जो हमने अभी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की है, व्हेन द कैल्साइंड और रोस्टेड ओर स्टिल कंटेन्स नॉन फ्यूजिबल, जो इजिली रिमूव नहीं होती, जो इजिली फ्यूज नहीं होती, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज, देन अ केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड विच कन्वर्ट दीज इंप्यूरिटीज इंटू इजिली फ्यूजिबल सब्सटांस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग, इसे बोलते हैं हम स्लैग।
और ये जो केमिकल सब्सटेंस है इज नोन एज फ्लक्स, इसे ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो क्या यहां से क्लियर हुआ कि जब हमने रोस्टिंग भी कर दी, जब हमने कैल्सिनेशन भी कर दिया और ये दोनों प्रोसेस करने के बाद भी अगर हमारे पास ऐसी इंप्यूरिटीज हैं जो आसानी से नहीं हट रही हैं, जो इजिली फ्यूजिबल फॉर्म में नहीं आ रही हैं, तो क्या किया उसने, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिलाया जाता है जो उस इंप्यूरिटी को, जो इजिली जो है वहां से नहीं हट रही थी, उसको फ्यूजिबल मटीरियल में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी फ्लक्स क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो इंप्यूरिटी के साथ मिलकर क्या करता है, ये इंप्यूरिटी क्या थी, नॉन फ्यूजिबल थी, इसको क्या किया स्लैग में, जो कि इजिली फ्यूजिबल है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। दैट केमिकल सब्सटेंस जो इंप्यूरिटी के साथ मिलकर, कैसी इंप्यूरिटी थी जो आसानी से नहीं हट रही थी, उसको स्लैग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो स्लैग आया है हमारे पास, ये जो स्लैग बना है फ्लक्स और इंप्यूरिटी को ऐड करके, दिस स्लैग दस फॉर्म्ड इज बीइंग लाइटर, ये कैसा है, लाइटर है, कैन बी इजिली रिमूव्ड, इसको क्या कर सकते हैं हम, आसानी से इसको रिमूव कर देंगे। ये जो स्लैग बना है ये इंटरमिक्स नहीं होगा, जो हमारा मोल्टन जो हमारा मेटल आया उसमें ये इंटरमिक्स नहीं होगा और हम इसको आसानी से वहां से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लक्स की, कि फ्लक्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो फ्लक्स जो है वो दो टाइप का है, एक तो एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स में हम यूज करते हैं सिलिका का, सैंड का, और साथ में और हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, इसमें बोरेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोरेक्स का फॉर्मूला मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये बोरेक्स है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिक फ्लक्स में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, इनका हम बेसिक फ्लक्स में इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि मुझे कब एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करना है और कब बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करना है, ये जो मैंने लिखे ये इसके एग्जाम्पल है। तो यहां हम इनकी रिएक्शन करके देखेंगे कि एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिक फ्लक्स कब यूज किया जाएगा, when the non fusible impurity is basic in nature, जब जो इंप्यूरिटी है वो कैसी होगी, इंप्यूरिटी बेसिक नेचर की होगी, तब जो हम फ्लक्स यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो जो बेसिक इंप्यूरिटी है मेरे पास ये आ गई कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब एसिडिक फ्लक्स क्या आ गया मेरे पास, ये जो है ये एसिडिक फ्लक्स आ गया SiO2, और मैंने आपको बताया कि हम बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या बना देगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, और जो ये कैल्शियम सिलिकेट है ये क्या है, फ्यूजिबल मटीरियल है, इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ये क्या बना देगा, FeSiO3 यानी आयरन सिलिकेट बना देगा, ये भी फ्यूजिबल है, इसे रिमूव किया जा सकता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एसिडिक फ्लक्स है, यानी SiO2 क्या है, एसिडिक फ्लक्स। हमने इसका इस्तेमाल कब किया है, जब हमारे पास इंप्यूरिटी कैसी है, बेसिक इंप्यूरिटी है, ये भी कैसा है, बेसिक इंप्यूरिटी है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि एसिडिक फ्लक्स जो है वो कौन से यूज किए जा रहे हैं। यहां पर हम अगर एग्जांपल की बात करें, अभी वैसे मैं मेंशन कर चुकी हूं SiO2 यानी जो सैंड है, सिलिका है, और साथ में और क्या यूज कर सकते हैं हम, बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो आपको कम से कम याद रखने। बेसिक फ्लक्स की बात करते हैं हम, बेसिक फ्लक्स क्या होता है,
basic flux. अब यहां से क्लियर हो रहा है कि बेसिक फ्लक्स क्या होगा, जब जो हमारी नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी है वो कैसे नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की होगी, तो हम क्या करेंगे उसमें बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे. एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि एग्जांपल्स क्या हैं इसके, एग्जांपल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इनका इस्तेमाल करेंगे. अब क्या होगा, मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाती हूं आपको. जैसे मेरे पास जो एसिडिक इंप्यूरिटी है वो आ गई सिलिका, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जो और है उसमें सिलिका यानी सैंड पाया जाता है. ये नॉन फ्यूजिबल है, डिस्टर्ब कर रहा है इन द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, रिडक्शन में कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम फ्यूजिबल मटेरियल में कन्वर्ट कर लेंगे. और मेरे पास इसके लिए अगर ये इंप्यूरिटी है तो मुझे इसके लिए क्या यूज करना है, मुझे इसके लिए यूज करना है बेसिक फ्लक्स. जैसे मैंने यूज किया कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बना दिया इसने, कैल्शियम सिलिकेट बना दिया. यहां पर कैल्शियम सिलिकेट बनाया. अब कैल्शियम सिलिकेट जो है वो क्या है, अभी हमने बताया कि ये फ्यूजिबल है, तो आसानी से इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं. अब यहां पर ये जो है ये मेरे पास इंप्यूरिटी है और ये क्या है, बेसिक फ्लक्स है. क्यों हमने इसका यूज किया, क्योंकि इंप्यूरिटी कैसी थी, एसिडिक थी. इसी तरह हम कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेम तरीके से SiO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना देगा, CaSiO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये अगेन फ्यूजिबल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया. कैल्शियम सिलिकेट है, इट कैन बी इजिली रिमूव, और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी सेम तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इस पूरे वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक्स किए हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड फ्लक्स. ये आपको आपके सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं दोनों में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे रिड्यूस किया जाता है, किन किन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.